नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे NEFT और RTGS के बारे में। तो बेसिकली ये तो पेमेंट मेथड्स है बैंक में जो कि ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि अगर एक स्टूडेंट को उसकी कॉलेज फ़ीस भरनी हो तो ये ऑफिशियल वर्क हो गया। सेकेंड है, एक कंपनी को कंपनी वॉन्ट्स टू ट्रांसफ़र फंड्स टू अनदर कंपनी, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को फंड्स ट्रांसफ़र करना चाहती है तो वो लोग NEFT अदरवाइज RTGS यूज़ कर सकते हैं। कब और कैसे ये हम आगे समझेंगे। सबसे पहले ये पेमेंट मेथड दो लोगों के बीच भी हो सकता है एट अ पर्सनल और इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। तो NEFT स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो हम लोगों ने अभी ये क्या है वो भी पढ़ लिया और NEFT और RTGS के फुल फॉर्म्स भी देख लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या है NEFT और RTGS के लिए, यानी कि क्या होता है उसके अंदर। तो NEFT के अंदर हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि छोटे अमाउंट्स के लिए एप्लीकेबल हो, यानी कि अंडर 2 लैक्स। तो ट्रांजैक्शन इन बैचेस होते हैं, मतलब बैचेस होती है वीक डेज यानी मंडे टू फ्राइडे। देखिए यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे ये वीक डेज है, इसमें हर दिन 11 बैचेस होती है और कुछ वो स्पेसिफिक टाइमिंग्स में ये बैचेस कैरी आउट होती है। तो वो टाइम है 9 AM टू 7 PM। हालांकि ये टाइम सभी बैंकों के लिए सेम नहीं है, तो आप चेक कर लीजिए कि इसका टाइमिंग क्या है। तो ये ट्रांजैक्शंस 11 बैचेस में होते हैं वीक डेज में, यानी मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे यानी कि हाफ डे तो होता है। तो वहाँ पे सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक 5 बैचेस कैरी आउट होते हैं NEFT के। तो इस बैचेस में ट्रांजैक्शंस कैरी आउट होते हैं। तो अगर आप इससे ट्रांसफ़र करते हैं NEFT से, तो आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। तो कितना वेट करना होगा ये देख लीजिए। मनी ट्रांसफ़र टेक्स सम टाइम अप्रोक्सीमेटली 3 डेज। हालांकि इतना टाइम तो नहीं लगता, ये 24 घंटा या तो फिर 2 दिन में हो जाता है। अगर कुछ एक्सेप्शनल केस हो जाती है तो 3 से 5 दिन लग सकते हैं। तो ऐसी बात है भाई NEFT के बारे में। अगर आप शाम को जाते हैं और NEFT का एप्लीकेशन बैंक एम्प्लॉय को देते हैं तो वो आपका NEFT एप्लीकेशन अगले दिन कैरी आउट होगा, उसी दिन कैरी आउट नहीं होगा क्योंकि इसका टाइमिंग दे दिया है 9 AM टू 7 PM। इसी टाइमिंग्स में NEFT ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो NEFT के बारे में हमने अभी पढ़ लिया, अभी देखेंगे RTGS के बारे में। तो RTGS तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, मतलब अभी आपने यहाँ से एक क्लिक करके अमाउंट ट्रांजैक्शन का एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो वो तुरंत हो जाएगा अमाउंट ट्रांसफ़र। तो ये बेसिकली लार्ज अमाउंट्स के लिए एप्लीकेबल है RTGS, अबाउट 2 लाख। 2 लाख भी कर सकते और 2 लाख के ऊपर भी कर सकते, लेकिन 2 लाख के नीचे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें अबे कीड़े साइड में हो जा। तो इसमें कंटिन्यूस ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि इसको टाइम नहीं लगता। जैसे कि NEFT के लिए दो तीन दिन लगते हैं, वैसे NEFT के तरह RTGS को टाइम नहीं लगता। ये आधे घंटे में हो जाता है, आधे एक घंटे में। मनी ट्रांसफ़र हार्डली रिक्वायर्स 1 आवर। तो ये रहा NEFT और RTGS के बारे में। और ये NEFT और RTGS एप्लीकेबल है विद इन द कंट्री, मतलब इंडिया में ही ये चल सकता है। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये विद इन कंट्री एप्लीकेबल है विद सम सर्विस चार्ज इन द मल्टीपल्स ऑफ 5 रुपीज़। यानी कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे 10 या 20 हज़ार ट्रांसफ़र करने हो
तो 5 रुपये, उससे ज़्यादा करने हो तो 10 रुपये, उससे ज़्यादा करने हो तो 15 रुपये, 20, 25, 50 रुपये। RTGS का वैल्यू है 25 रुपये के ऊपर। हालांकि ये सर्विस चार्ज जो मैंने बताया है वो एग्जैक्टली वो अमाउंट नहीं हो सकती, चेंज भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली 5 के मल्टीपल्स में वो अमाउंट होती है सर्विस चार्ज इस पेमेंट मेथड्स से मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यह अभी NEFT और RTGS के बारे में हमने थोड़ी बेसिक नॉलेज ले ली है। तो अभी देखते हैं कि NEFT और RTGS के द्वारा हम पेमेंट कैसे करेंगे और कैसे होता है। तो पेमेंट बाय NEFT और RTGS के दो तरीके हैं। एक तो मतलब NEFT के दो तरीके और RTGS के दो तरीके। तो पहला तरीका तो ये है कि ऑनलाइन वाया नेट बैंकिंग। अगर आपका नेट बैंकिंग चालू है तो आप NEFT और RTGS नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अब आपके बैंक में जाके ऑफलाइन वाया फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं ये पेमेंट। तो पहला है नेट बैंकिंग और दूसरा है बाय फॉर्म फिलिंग। तो पहले नेट बैंकिंग को देख लेते हैं। सबसे पहले नेट बैंकिंग में तो आपको आपके अकाउंट में लॉगिन होना पड़ेगा, फिर एक बेनिफिशियरी ऐड करनी होगी जो कि इंटर बैंक बेनिफिशियरी है, यानी कि थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र, मतलब आपका और डायरेक्टली थर्ड पर्सन से ये कनेक्शन है। तो ऐड बेनिफिशियरी ऑफ इंटर बैंक, तो ऐड बेनिफिशियरी के टाइम पे आपको कुछ जिसको आपको पेमेंट करना हो तो उसकी कुछ डिटेल्स आपको भरनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि जिसको आप पेमेंट करना चाहते हो उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, उनका IFSC कोड और ब्रांच नेम। तो ऐसे कुछ डिटेल्स है वो आपको भरनी पड़ती है। और एक आपको OTP आता है ऐड बेनिफिशियरी के टाइम पे, तो वो OTP सबमिट करके आपको 16 आवर्स तक वेट करना पड़ता है जब तक ये बेनिफिशियरी ऐड नहीं हो जाती। एक बार आपने बेनिफिशियरी ऐड कर ली तो उसके बाद आप पेमेंट्स और ट्रांसफ़र इस सेक्शन में आपके नेट बैंकिंग में चले जाइए और फिर ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करना होता है आपको पेमेंट्स और ट्रांसफ़र में। पहले पेमेंट्स और ट्रांसफ़र में आप चले गए तो आपको एक कॉलम नज़र आएगा, उसमें आपको पेमेंट्स का एक ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट्स आपको इंटर बैंक पेमेंट्स करना सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको थर्ड पार्टी को मनी ट्रांसफ़र करना है, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद वो ट्रांजैक्शन टाइप पूछेगा, ये ट्रांजैक्शन टाइप। तो अवेलेबल तो मेरे नेट बैंकिंग में तो अवेलेबल ये 3 ट्रांजैक्शंस है, एक IMPS, दूसरा RTGS, तीसरा NEFT। बेसिकली ये 3 ही अवेलेबल होते हैं बहुत सारे बैंकों में। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो वो बिजनेस अकाउंट के टाइप में आता है, ये पर्सनल बैंकिंग अकाउंट के टाइप में, IMPS, RTGS और NEFT। तो ये सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको RTGS सिलेक्ट करना है तो ये कीजिए, अदरवाइज़ NEFT। उसके बाद सिलेक्ट अकाउंट, मतलब अगर आपने ये बेनिफिशियरी ऐड की हो तो वो बेनिफिशियरी को सिलेक्ट कीजिए, यानी कि अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए और जितनी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करनी हो उतनी अमाउंट एंटर कीजिए और एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। तो आपका NEFT और RTGS हो जाएगा। मैंने आपको बताया NEFT के लिए थोड़ा टाइम लगता है और RTGS तुरंत हो जाता है 1 घंटे के अंदर। तो नेट बैंकिंग के द्वारा ये काफ़ी इजी है। और अगर आपके पास नेट बैंकिंग किसी किसी को नहीं आता हो, कोई बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनको ये टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होता, वो उनको सिंपल वे पसंद होता है, तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं बैंक में उनके और उनको ट्रांसफ़र करना होता है वाया NEFT और RTGS। तो वो सिंपल वे यूज़ करते हैं। तो सिंपल वे है भाई सेकेंड फॉर्म फिलिंग। तो आपको आपके बैंक में जाना पड़ेगा उसके लिए, वहाँ पे एक NEFT और RTGS एप्लीकेशन फॉर्म करके होगा। तो यहाँ पे पहले आपको NEFT करना है तो इसको सिलेक्ट कीजिए,
मतलब टिक कीजिए इसके ऊपर, अदरवाइज आरटीजीएस के ऊपर टिक कीजिए। तीसरा स्टेप ये है कि आपको वो फॉर्म भरना है विथ योर डिटेल्स, मतलब आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम वगैरह वगैरह, आपका नाम, सिग्नेचर, डेट, ऐसे कुछ डिटेल्स, एड्रेस, ऐसे डिटेल्स आपको भरनी है उस फॉर्म में। फॉर्म के बेसिकली तो दो सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन में ऑफिशियल यूज़ होता है, सॉरी ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है, और एक सेक्शन आपके पास रहता है। तो ये काट लेते हैं और एक ऑफिस में रखते हैं और एक आपको दे देते हैं। तो फिर दूसरा डिटेल्स है बेनिफिशियरी डिटेल्स, मतलब जिसको आपको पेमेंट्स ट्रांसफ़र करना हो उसकी डिटेल्स भर दीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल वो अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, फिर आईएफएससी कोड, फिर ब्रांच नेम इत्यादि वगैरह। तीसरा है योर चेक नंबर, आपको एक चेक ऐड करना होगा। ये फॉर्म भरने के बाद आपको एक चेक में वो ट्रांसफ़र अमाउंट लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपको 10,000 भेजने हैं तो 10,000 लिख दीजिए उस चेक पर, प्लस सम सर्विस चार्ज विच इज़ एप्लीकेबल टू डू दैट ट्रांसफ़र, मतलब कुछ सर्विस चार्ज लगता है ये 10,000 रुपये भेजने के लिए, तो वो प्लस करके वो चेक में अमाउंट भर दीजिए और ये चेक इसको अटैच करना है आपको फॉर्म को। तो ये वो चेक का चेक नंबर ये फॉर्म में भरना होगा। तो ऐसे प्रकार से करते हैं। और फिर लास्ट एक ऑप्शन आता है यूटीआर नंबर, तो ये ऑफिशियल यूज़ के लिए होता है। बैंक एम्प्लॉई इसमें कुछ नंबर डाल देते हैं, ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर होता है शायद से, तो ये बैंकों के फॉर ऑफिशियल यूज़ के लिए होता है, तो वो डाल देते हैं और आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है और जमा कर लेते हैं बैंक वाले। तो इस प्रकार से फिर लाइकवाइज NEFT और RTGS के लिए जो टाइम लगता है वो इसमें टाइम लगेगा और आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। तो इसी तरह NEFT और RTGS होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा आपके क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। तो अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।